नमस्कार दोस्तों एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस अकाउंट्स की उपयोगिता से अब आप सब लोग अनविज्ञ नहीं होंगे क्योंकि एनपीएस अकाउंट सर आज की डेट में इंडिया में रिटायरमेंट के लिए फंड क्रिएट करने का एक बहुत महत्वपूर्ण टूल या साधन बन गया है अब ये जो एनपीएस अकाउंट है दोस्तों इसके दो वाइफरकेशन है टीयर वन अकाउंट एंड टीयर टू अकाउंट तो मुझे लगा कि इन टीयर वन एंड टीयर टू एनपीएस अकाउंट्स के संदर्भ में जो डिफरेंसेस हैं वो क्या है वो बातें जनता जनार्दन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है इसी दृष्टि से दोस्तों आज की वीडियो जिसका टाइटल मैंने रखा डिफरेंस बिटवीन टीयर वन एंड टीयर टू एनपीएस अकाउंट आपके सामने प्रस्तुत है तो दोस्तों सबसे पहले आपके सामने बेसिक फीचर्स रख रहा हूं कि एनपीएस स्कीम के बेसिक फीचर जैसा आपको ध्यान होगा they are in terms of that the entry age of an NPS account is 18 years to 65 year 18 से 65 वर्ष की उम्र में आप एंटर करेंगे this particular scheme is governed under the rules and regulations of PFRDA. what is PFRDA? pension fund regulatory and development authority ये नियामक संस्था है सर जो NPS को इंडिया में रेगुलेट करती है on opening of an NPS account a permanent retirement account number is allotted यानी प्राण नंबर एक अलॉट होता है सर जिस तरीके से इनकम टैक्स में है, पैन है उसी तरीके से एनपीएस स्कीम में प्रैन नंबर अलॉट होता है यह एक यूनिक नंबर है आपका एक ही एनपीएस अकाउंट एक बार में हो सकता है और उसी के संदर्भ में जो यूनिक प्रैन है वो चलेगा इवन अ नॉन रेजिडेंट बट इंडियन सिटीजन कैन ऑल्सो ओपन एनपीएस अकाउंट यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है सर कि अगर आप नॉन रेजिडेंट है परंतु इंडियन सिटीजन है तो आप भी इंडिया में एनपीएस अकाउंट होल्ड कर सकते हैं और एक और बात सर कि एनपीएस अकाउंट की चार डिफरेंट कैटेगरीज हैं अकॉर्डिंग टू द सेक्टर्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए स्टेट गवर्नमेंट के लिए कॉर्पोरेट्स के लिए एंड ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया जिसमें कि सेल्फ एम्प्लॉयड एज वेल एज एम्प्लॉयड दोनों शामिल हैं अब देखिए दोस्तों यहां आपके सामने टीयर वन एवं टीयर टू अकाउंट के बीच के डिफरेंसेज रख रहा हूं एक एक पॉइंट लेते हुए सबसे पहला पॉइंट है सर टाइप ऑफ प्रोडक्ट ध्यान से देखिएगा आप टीयर वन अकाउंट इज अ रिटायरमेंट प्रोडक्ट जबकि टीयर टू अकाउंट दोस्तों रिटायरमेंट प्रोडक्ट नहीं है इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है ऐसा क्यों वो आगे के डिस्कशन से भी आपको प्रूव होगा जैसे दोस्तों क्या रिलेवेंट खाता मैंडेटरी है या नहीं है अगर आपको एनपीएस खाता खोलना है तो टीयर वन अकाउंट आपका बेस अकाउंट है या मैंडेटरी अकाउंट है जबकि जो टीयर टू अकाउंट है वो तभी संभव है पहली बात जब आपका टीयर वन अकाउंट खुला हुआ है और दूसरी बात सर टीयर टू अकाउंट खोलना ना खोलना वॉलेंट्री है यानी जरूरी नहीं है आप टीयर टू अकाउंट होल्ड करें यू में यू में नॉट अब देखिए सर विड्रॉल्स की बात करता हूं टीयर वन अकाउंट से आपका फाइनल विड्रॉल 60 इयर्स की एज से पहले संभव नहीं है हालांकि आप स्पेशल केसेस में जैसे मैरिज एजुकेशन एक्सेट्रा के लिए या होम एक्विजेशन वगैरह के केस में पार्शल विड्रॉल भी कर सकते हैं जबकि टीयर टू अकाउंट में दोस्तों ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपको जब लगे आप टीयर टू अकाउंट में इन्वेस्टेड पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं इनिशियल सब्सक्रिप्शन दोस्तों टीयर वन अकाउंट में पांच सौ रुपए है जबकि टीयर टू अकाउंट में हजार रुपए है मिनिमम कंट्रीब्यूशन की सीमा टीयर वन अकाउंट के लिए हजार रुपए पर एन एम है जबकि टीयर टू अकाउंट के लिए कोई ऐसी सीमा नहीं है अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों इनकम टैक्स का डिडक्शन टीयर वन में किए गए कॉन्ट्रीब्यूशन पर आपको एटीसी भी मिल सकता है या ए टी सी सी सबसेक्शन वन भी, भी मिल सकता है डिपेंड करता है कि अगर आपकी एटीसी की लिमिट एग्जॉस्ट नहीं हो रही तो डेढ़ लाख वहां क्लेम कर लें वो एग्जॉस्ट हो गई तो आप एडिशनल पचास हजार का कंट्रीब्यूशन करके एन बी भी, भी ले सकते हैं जबकि दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है कि जो टीयर टू अकाउंट का कंट्रीब्यूशन है वो एलिजिबल नहीं है टैक्स बेनिफिट्स क्लेम करने के लिए तो ये टीयर टू अकाउंट को बेसिकली लेस अट्रैक्टिव बनाता है और देखिए सर यदि मैं मेच्योरिटी की बात करूं तो बेसिकली टीयर वन अकाउंट सर मेच्योर होगा सुपर एनुवेशन की एज पर जहां आपको 60 परसेंट पैसा विड्रॉ हो जाएगा टैक्स फ्री और जो बैलेंस अमाउंट होगी वो आपकी एनविटी के परपजेस से यूज की जाएगी यानी वहां से आपको आगे पेंशन बना के दी जाएगी लेकिन अगर टीयर टू अकाउंट में आप बात करते हैं सर तो लॉ में क्लैरिटी नहीं है क्लैरिटी नहीं है तो कुछ लोग क्या बोलते हैं कि सर जो पैसा आएगा मेच्योरिटी पर टीयर टू अकाउंट का वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा जबकि कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं सर जब हमने टीयर टू अकाउंट में पैसा इन्वेस्ट किया तो वो एक तरीके से यूनिट्स के रूप में हमारे को अलॉट हुआ और वो यूनिट सब्सिक्वेंटली बिकी जब वो बिकी तो हमारे को जो डिफरेंस आया वो कैपिटल गेन वहां पर लिया जाना चाहिए टैक्सेशन के लिए मैं भी सर इस सेकेंड ओपिनियन का ज्यादा हूं कि टीयर टू अकाउंट में कैपिटल गेन टैक्स लाइबिलिटी अट्रैक्ट होनी चाहिए ना कि पूरी प्रोसीड टैक्सेबल हो लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों अभी इनकम टैक्स एक्ट में क्लैरिटी नहीं होने की वजह से इस विषय पर कंफ्यूजन के बादल रहते हैं टैक्सेशन रिजीम दोस्तों टीयर वन अकाउंट में एक्साम ट टैक्सेबल चलता है जबकि टीयर टू अकाउंट में मेच्योरिटी को टैक्सेबल माना गया है सब्जेक्ट टू माय फर्स्ट ओपिनियन कि कैपिटल गेन हेड में टैक्स लाइबिलिटी आनी चाहिए इसी डिफरेंस को और थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं सर कुछ सिमिलरिटीज भी आपको यहां दिख सकती हैं कि टीयर वन अकाउंट हो चाहे टीयर टू अकाउंट हो ऑप्शन दोनों में ही आपको सेम मिलते हैं आप इक्विटी में पोरेट बॉन्ड में गवर्नमेंट सिक्योरिटी में या ऑल्टरनेटिव एसेट इन कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस का पॉइंट है सर आप टीयर वन अकाउंट से टीयर टू अकाउंट में फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते लेकिन टीयर टू अकाउंट से टीयर वन अकाउंट क्योंकि टीयर वन इज मैंडेटरी तो वहां से आपको टीयर टू में नहीं ले जाने देगा सर लेकिन टीयर टू से टीयर वन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है टीयर वन अकाउंट हो चाहे टीयर टू अकाउंट हो सर एम्प्लॉयड एज वेल एज सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों कैटेगरीज के एम्प्लॉय खोल सकते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी ले सकते हैं फंड मैनेजमेंट की कॉस्ट भी दोस्तों दोनों ही फंड्स के टाइप में सेम है चाहे वो टीयर वन अकाउंट हो चाहे वो टीयर टू अकाउंट हो तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि एनपीएस टीयर वन अकाउंट एंड टीयर टू अकाउंट डिफरेंस पर बनाई गई वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक एवं लाभप्रद रहे साथ ही यदि इस विषय में आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे लिखें मैं आपके क्वेश्चंस का उत्तर देने की कोशिश करूंगा मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय